अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज सर यासिर। हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। ऑन दिसंबर 31, 2015, द बैलेंस शीट ऑफ करामत एंड कंपनी शो द फॉलोइंग बैलेंसेस। अकाउंट रिसीवेबल है 4 लाख, अलाउंस ऑफ डेटर 8,000। ड्यूरिंग द ईयर 2016 टोटल सेल्स इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख, अमाउंटेड रुपीज 6 लाख, एंड अकाउंट रिसीवेबल 7,000 वाज रिटन ऑफ। 7,000 का रिसीवेबल क्या हो गया? राइट ऑफ हो गया। और क्या था प्रीवियसली रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 2,000 वाज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 600। फिर ऑन डिसंबर 16 द अकाउंट रिसीवेबल शोड अ डेबिट बैलेंस 5 लाख। हाउएवर एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सब्जी लेजर रिवील्ड दैट अ कस्टमर्स अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस 20,000। ऑन दिस डेट द कंपनी एस्टिमेट 5% अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड एज अनकलेक्टेबल। रिकॉर्ड टू गिव द जनरल जनरल एंट्रीज related to the above information including entries to adjust and close the bad debt expense. Be a set of allowance for bad debts account and post the above entries in the account rule of and balance the account. ठीक है जी, अब बनानी एंट्री सारी। ठीक है, ये 15 का एंडिंग बैलेंस, 16 का शुरू का काम है। तो ड्यूरिंग 2016 टोटल सेल इंक्लूडिंग कैश सेल्स 1 लाख, 6 लाख की टोटल सेल हुई। तो कैश डेबिट 1 लाख से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5 लाख से, सेल्स क्रेडिट 6 लाख से। कैश डेबिट 1 लाख, अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख, सेल्स क्रेडिट 6 लाख। पहले एंट्री बना दिया अपने, करामत एंड कंपनी जनरल जनरल प्रॉब्लम 5। सेकंड एंट्री की तरफ आते हैं। एन अकाउंट रिसीवेबल रुपीज 7,000 वॉज रिटर्न ऑफ। राइट ऑफ है, राइट ऑफ की फिक्स एंट्री होती है। अकाउंट क्लोज होगा तो रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ प्रीवियस रिटर्न ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑफ रुपीज 2,000 वाज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड टू द एक्सटेंड ऑफ 600। 600 रुपए की रिकवरी हुई, तो रिकवरी की एंट्री होती है कैश डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ये बनाई हमने, कैश डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 600 रुपए से। ठीक है जी, हो गई रिकवरी की एंट्री। चौथी एंट्री पे आते हैं। ऑन डिसंबर 31, 2016 द अकाउंट रिसीवेबल शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख। अकाउंट रिसीवेबल का जनरली डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए। हाउएवर एन एनालिसिस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर रिवील दैट अ कस्टमर्स अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000। एक कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। नॉर्मली जो रिसीवेबल होते हैं उसका बैलेंस डेबिट साइड पे आना चाहिए, यहाँ क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है? डेफिनेटली देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ मिस्टेक, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे कैश कलेक्शन होती है, उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, लेकिन जब एडवांस पैसा रिसीव होता है तो उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। यहाँ हुआ कुछ ये होगा, एक कस्टमर ने आप तो एडवांस दिया होगा और आपने गलती से अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अब सही करने के लिए क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और जिसे क्रेडिट होना चाहिए था यानी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। ऑन दिस डेट द कंपनी एस्टिमेटेड 5% अकाउंट रिसीवेबल एट द ईयर एंड एज अनकलेक्टेबल। यानी अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग पे क्या लगेगा? अनकलेक्टेबल रेट लगेगा। तो रिसीवेबल है कितना? 5 लाख। एक क्रेडिट बैलेंस उसको भी ऐड करेंगे, 5-20 हो जाएगा। तो रिसीवेबल एट एंड कितना आ जाएगा? 5,20,000। रेट कितना है? 5%। तो 5-20 का 5% लगाया, कितना है? 26,000 आया। इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ऐड लेस करते हैं। ठीक है जी, अलाउंस फॉर बैड डेट का ओपनिंग बैलेंस है 8,000, और कहीं गिवन नहीं है, एंट्रियां बनी हुई है उसमें से, यानी लेजर बना के उसको प्लस माइनस कर देंगे। ओके भाई, बैलेंस है ऊपर 8,000 लिख दिया। दूसरी एंट्री में अलाउंस फॉर बैड डेट हुआ डेबिट 7,000 से, तीसरी एंट्री में 600 से क्रेडिट हुआ। 7,000 से डेबिट और 600 से क्रेडिट, तो 8,600 क्रेडिट साइड, 7,000 डेबिट साइड है। ठीक है ना, तो 1,600 आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है। जब क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो क्या करेंगे आप? लेस कर देंगे। तो करेंगे लेस अलाउंस फॉर बैड डेट 1,600। तो 26,000 में से 1,600 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 24,400 एडजस्टेड बैलेंस। जैसे हम एंट्री पास करेंगे 24,400 से बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट, और क्लोजिंग बनेगी इनकम समरी डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है,
फिर अलाउंस बैटर जो क्रेडिट हुआ पांचवी एंट्री में ऊपर के जरा क्रेडिट हुआ, इसको हम यहाँ भी नीचे भी लिख देंगे और लेजर में क्रेडिट भी करेंगे। टोटल करा 33,000, यानी का 33 माइनस 7, बैलेंस सी डिया 26, यहाँ जाएगा बैलेंस बी डी 26,000। ठीक है बच्चों, सवालियाँ खत्म हो गया।